सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, संविदा बिजली कर्मचारियों पर सरकार सख्त है। एमपी सरकार ने एस्मा लगा दिया है और संविदा आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार ने एस्मा लगा दिया है। आज से बिजली कर्मचारियों ने काम बंद की चेतावनी दी थी। सरकार ने काम बंद को अवैधानिक बताया। 6 बिजली कंपनियों के नियमित संविदा कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे में भोपाल संविदा कर्मचारियों पर सरकार सख्त है और आज देखना होगा कि आखिर कर्मचारियों की तरफ से इस फैसले को लेकर क्या कहा जाता है। लेकिन सरकार ने काम बंद करने को अवैधानिक बता दिया है और राज्य सरकार ने एस्मा लगा दिया है। राज्य सरकार का यह फैसला चुनाव के पहले भी कई मायने में खास है। आउटसोर्स कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे, किसी भी तरह की व्यवस्था को ठप नहीं किया जा सकेगा। तो सख्ती, सरकार की सख्ती, और जाहिर तौर पर अंशिका चुनावी मोड में प्रदेश, और उस दौरान अगर इस तरह की दिक्कतें आएंगी। बिजली का मसला ऐसा है जो सीधे आवाम से जुड़ा हुआ है, पब्लिक से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि सरकार ने एस्मा लगाया है, सरकार सख्ती बरत रही है। काम बंद करने को सरकार ने अवैधानिक यानी गलत बताया है। राज्य सरकार ने एस्मा लागू किया है। बिजली कर्मचारियों को आउटसोर्स कर्मचारियों को काम करना होगा। तो किसी भी कीमत पर हड़ताल जो बिजली कर्मचारी हैं वो नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में मूलभूत सुविधाएं से जनता को जोड़ा जा सके, जनता को इन्हीं मूलभूत सुविधाओं की कमी ना हो, इसको देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है ताकि जो बिजली कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। और राज्य सरकार ने क्योंकि एस्मा लगा दिया है और एस्मा लगने के बाद हड़ताल पर नहीं जाया जा सकता, आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। और इस फैसले को हालांकि अभी देखना है कि जो बिजली कर्मी हैं उनकी तरफ से किस तरीके से लिया जाता है, क्योंकि अब एस्मा लागू कर दिया गया है, कानून के खिलाफ नहीं जा सकता कोई भी। और ऐसे में बड़ी बात जनता के लिए भी कि बिजली किसी भी तरीके से ठप ना हो प्रदेश में, बिजली से जुड़ी समस्याएं ना आए। जनता अगर कहीं पर भी सामना कर रही है समस्याओं का बिजली से जुड़ी, तो तुरंत डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर सके। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, चुनावी सीजन, एस्मा लगाकर सख्ती, और वैसे भी इस वक्त कांग्रेस को कोई मुद्दा दिया नहीं जा सकता। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए अब कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है, और ऐसे में यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि यदि बिजली आपूर्ति व्यवस्था कहीं प्रभावित हो सकती है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने बिजली कर्मचारियों के आज से काम बंद हड़ताल पर एस्मा लगा दिया है, यानी कि पूरी तरीके से कोई भी हड़ताल करना अवैधानिक होगा और सीधे कार्रवाई की जा सकेगी। लेकिन एक और खास बात है कि जो बिजली कर्मचारी हैं वो लगातार राज्य सरकार से संवाद कर रहे हैं। 4 दौर की चर्चा हो चुकी है और बिजली कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसको पूरा नहीं किया गया और इसी वजह से वो काम बंद करने को मजबूर हैं। तो आज क्या फैसला बिजली कर्मचारियों की तरफ से लिया जाता है, क्योंकि 70,000 से ज़्यादा नियमित कर्मचारी, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी जो बिजली के हैं, वो एक साथ एक मंच पर आकर इस काम बंद का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज क्या रुख होगा बिजली कर्मचारियों का राज्य सरकार का एस्मा लगाए जाने के बाद, ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है अनुराग, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो जिस तरह से अनुराग जानकारी दे रहे हैं, अभी सरकार को इस तरह की स्थिति में दरअसल रहेगी नहीं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आचार संहिता को लेकर जल्द फैसला हो सकता है और इसी हफ्ते आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मीटिंग बुलाई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग होगी। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और नोडल ऑफिसर्स की मीटिंग होगी और इसमें कई फैसले लिए जा सकते हैं। बड़ी बात ये कि 8 से 10 अक्टूबर के बीच ऐलान संभव है, कहा जा रहा है तारीखों का। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर एमपी में आचार संहिता पर जल्द फैसला आ सकता है और इसी हफ्ते लगाई जा सकती है आदर्श आचार संहिता। और
बहुत जल्द बजेगा चुनावी बिगुल, एमपी समेत 5 राज्यों में बजेगा चुनावी बिगुल। दिल्ली में चुनाव आयोग की आज बड़ी बैठक है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्द चुनावी बिगुल बजेगा। और जिस तरह से अभी अंशिका ने अपडेट भी आपको दिया, 8 से 10 अक्टूबर के बीच तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज एक बड़ी बैठक और इसके बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ऐसे 5 राज्यों में कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, और एमपी समेत 5 राज्यों में क्योंकि चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है, इसके अलावा बिगुल कभी भी बच सकता है, यानी कि तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। और ये कहा जा रहा है कि संभव है कि 8 से 10 अक्टूबर के बीच में ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अनुराग, 8 से 10 अक्टूबर के बीच संभव है कि तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यानी कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है राजनीतिक दलों के पास। बिल्कुल, संकेत इसी बात को लेकर है कि जल्द से जल्द आचार संहिता लगाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और मीडिया नोडल एजेंसी के जो अधिकारी हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई है। वर्चुअल तरीके से ये कॉन्फ्रेंस होगी और दोपहर 12:30 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जो हैं अफसरों के साथ चर्चा करेंगे कि क्या तैयारियाँ हैं जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर क्या तैयारियाँ। और यदि केंद्रीय चुनाव आयोग की हम बात करें तो आज पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा होनी है और बताया यही जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर चुनाव की आचार संहिता लगाई जा सकती है। तो चुनाव आयोग मध्य प्रदेश के दौरे पर भी आया था और यहां पर तैयारियों की समीक्षा की थी और उन पर संतोष जताया था, यानी कि तैयारियां पूरी हैं, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। और उम्मीद इसी बात को लेकर लगाई जा रही है कि 1 से 2 दिन के अंदर चुनाव आचार संहिता लगाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग जानकारी दे रहे थे, आज जो महत्वपूर्ण बैठक होनी है उस पर नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन अब बात करेंगे सौगातों की। सीएम शिवराज आज सौगात देंगे, पर्यटन विकास से जुड़ी कई योजनाओं का वो भूमि पूजन करेंगे। 616 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का भूमि पूजन होना है। ग्वालियर में अटल स्मारक, मंदसौर में पशुपतिनाथ लोक बनेगा, अमरकंटक में मां नर्मदा महालोक का भूमि पूजन किया जाएगा, बड़वानी में नागलवाड़ी लोक का भूमि पूजन होगा। तो ये बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश वासियों के लिए जो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश वासियों को सौंपने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा रसोई गैस के लाभार्थियों को भी तोहफा देंगे, हितग्राहियों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर होगी। केंद्रीय मंत्री का एमपी दौरा है, अनुराग ठाकुर आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है, रीवा और कटनी जाएंगे अनुराग ठाकुर, प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। जबलपुर से अनुराग ठाकुर के रीवा जाने का कार्यक्रम है। इससे पहले अनुराग ठाकुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे, बीजेपी का युवाओं पर फोकस, और आज जो दौरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का रहने वाला है, प्रबुद्ध जनों से वो चर्चा करेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण अनुराग ठाकुर का ये दौरा, क्योंकि कई युवाओं को बीजेपी टारगेट कर रही है और ऐसे में युवाओं को साधना है तो फिर अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें मैदान में उतारा गया है, और ऐसे में रीवा और कटनी जाएंगे अनुराग ठाकुर। लेकिन अनुराग ठाकुर का ये दौरा जाने के बाद और भी ज्यादा खास हो जाएगा, क्योंकि बीते दिन हमने देखा छत्तीसगढ़ में किस तरीके से छत्तीसगढ़ी अंदाज में उनका स्वागत किया गया था, और अब जब वो मध्य प्रदेश पहुंचेंगे तो यहां पर भी अनुराग ठाकुर के दौरे को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक के दूसरे फेज का लोकार्पण किया। इसके तहत 755 करोड़ की लागत से काम किया जाना है। हाईटेक अन्य क्षेत्र, धर्मशाला, पार्किंग समेत कई कार्य शामिल हैं। दूसरे चरण के कई अधूरे कार्यों का भी लोकार्पण किया गया है। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई। सीएम ने सबसे पहले नीलकंठ क्षेत्र के जिसमें पथ द्वार, अवंतिका हाट, प्रसादम शिशु मंदिर मार्ग, भूतल पार्किंग का लोकार्पण किया। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने लोकार्पण किया महाकाल फेज 2 का, और दूसरी तस्वीर किस तरीके से जश्न का माहौल यहाँ पर नजर आया। इसके बाद अन्य क्षेत्र के लोकार्पण के लिए पूजन भी किया गया।
तो ये दो तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी सौगात जनता को दी है, महाकाल फेज टू का लोकार्पण कर दिया उन्होंने। मित्रों, एक यज्ञ की पूर्णाहुति आज संपन्न हो रही है। महाकाल महालोक बने, ये संकल्प 2016 के सिंहस्थ के बाद महाकाल महाराज की कृपा से ही पैदा हुआ था। 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दी और फिर महाकाल महाराज की कृपा से ही प्रथम चरण का काम पिछले साल संपन्न हुआ था, जब श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारे थे। जो प्रथम चरण था वो अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, ऐसा कि शायद सबसे ज़्यादा श्रद्धालु अब महाकाल महाराज की नगरी पधार रहे हैं। लेकिन कई काम और होने थे द्वितीय चरण में, वो काम भी अब तेजी से पूरे हो रहे हैं और द्वितीय चरण के कामों का आज लोकार्पण हुआ है। एमपी में निवेश प्रोत्साहन की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है और इसी क्रम में खुरई विधानसभा में उद्योग और रोजगार की संभावनाओं का निवेश उत्सव आयोजित किया गया। खुरई इन्वेस्टर्स समिट में पहले दिन करोड़ों रुपए के एमओयू सरकार और उद्योगपतियों के बीच साइन हुए हैं। इस प्रयास को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अगुवाई में हम लगातार रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। पहली बार किसी तहसील स्तर पर इन्वेस्टर समिट हो रही है और चूंकि खुरई में औद्योगिक विकास की अपार संभावना है और इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि हम लोग अपना खुरई के बारे में लोगों को बताएं। सबसे बड़ा लैंड बैंक हमारे पास है, पानी हमारे पास है, बिजली हमारे पास है, सड़क हमारे पास है, रेलवे का गुड्स ट्रैक हमारे पास है, हम आगे चल के एयर स्ट्रिप भी बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, तो शांति भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, सब कुछ है और इसलिए औद्योगिक निवेश हमारे यहाँ पर हो, इसलिए हमने ये यहाँ पर इन्वेस्टर समिट की है। कुछ और खबरें। मुरैना में चार ठगों ने आगरा के एक सराफा व्यापारी को नकली चांदी थमा दी और उसके बदले में 18 किलो असली चांदी लेकर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने चार ठगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, दो को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 5.5 किलो चांदी के बर्तन और 1,00,000 रुपए नकद बरामद कर लिया है। ठगों ने सराफा व्यापारी से ठोस चांदी के बदले चांदी के बर्तन लेने की डील की थी। सराफा व्यापारी ने जब अपने घर में ठोस चांदी को पिघलाया तो वो नकली निकला, जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की। क्योंकि जब चांदी का बर्तन बनाया जाता है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ मिक्सिंग की संभावना रहती है, तो उसके लालच में उस व्यक्ति ने प्योर चांदी बदले में ले ली। तो इस तरीके से कुल 18 किलो ये चांदी के बर्तन के बदले में उस व्यक्ति के द्वारा एक चांदी दी गई उसको प्योर बता करके। जब वो व्यक्ति ने घर जा करके उस चांदी की जांच कराई तो वो चांदी नकली पाई गई। तो इस तरीके से ये 420C का इनके द्वारा अपराध किया गया, उस पर से थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। बालाघाट में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में चल रहे 6 तबेलों पर बुलडोजर चला दिया है। इस दौरान प्रशासन को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा, पुलिस जाप्ता यहां बुलाना पड़ा। किसी तरह से पुलिस ने व्यवस्था को संभाला, तबेलों को हटाने की कार्रवाई हुई। 6 तबेलों को JCB के जरिए जमींदोज किया गया। बार बार नोटिस जारी किया गया था लेकिन ये जो संचालक हैं तबेलों के, ये शहर के भीतर से हट नहीं रहे थे। शहर में तो ऐसी कई डेयरी है, नगर पालिका अध्यक्ष के यहाँ भी जाके देखो तो कोठा बना हुआ है, गायबंदी है। आए उनका जो उपाध्यक्ष है बिसेन,
गायखुरी में उनका भी बहुत बड़ा कोठा बना हुआ था, एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? ये हमारे जो तबीले तोड़े जाए हैं, ये तो वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 32 तक के पूरे तबीले तोड़ा जाए, नगर पालिका अध्यक्ष का तबीला तोड़नी भाई। हमारे तो हम एक तरफ बोलते गौ माता पालना चाहिए, दूसरी तरफ हमें तबीले तोड़ दिए। गैया तो है किसी के आए कि आपके गौ माता भी नहीं पाले हम। नगर पालिका क्षेत्र बालाघाट में ऐसे 6 तबीले चिन्हांकित हुए थे, जिसके संबंध में SDM ऑफिस में 2022 में CRPC की धारा 133 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे, कार्रवाई हुई थी और उसमें आदेश पारित हुए थे। 2 महीने पहले हमने उसमें लगभग 2 बार उनको नोटिसेस भी जारी किए ताकि उनका एक बार और पक्ष सुन लिया जाए। खबर मुरैना से, यहां घरेलू गैस सिलेंडर में रियायत देने के प्रदेश सरकार के फैसले के बाद पंजीयन केंद्र में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ ने जौरा रोड पर जाम लगा दिया, महिलाएं सड़क पर बैठ गईं, नारेबाजी करने लगीं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने महिलाओं ने पंजीयन कर रहे नगर निगम के कर्मचारियों पर 200-200 रुपए की रिश्वत लेकर पंजीयन करने का आरोप लगाया। हालांकि महिलाओं को समझा बुझाकर सड़क से हटा दिया गया है और पुलिस की निगरानी में महिलाओं के ऑनलाइन पंजीयन कराए गए। पंजीयन के लिए गुरुवार को अंतिम तिथि थी, इसीलिए महिलाएं आंदोलित हो गई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज 18।